प्लैटी हेलमिंथस का आज हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अगर प्लैटी हेलमिंथस को हम लोग लें, इसका नाम ही जो है ना, प्लैटी हेलमिंथस, इसका अगर नाम ही देखें हम, इसके नाम का ही विभेद इस तरीके से बना हुआ है कि प्लैटिस का मतलब होता है, प्लैटिस का मतलब होता है फ्लैट, वी ऑल नो इट, एंड हेलमिंस का मतलब होता है वर्म। एक प्रकार से जो फ्लैट वर्म है उनका परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब फ्लैट ही वर्म है, उसके अलग अलग वैरायटी हैं फ्लैट वर्म के, कोई रिबन शेप है तो कोई लीफ शेप है, तो इस तरह से चीजें मिलेंगी हमको इसमें पढ़ने के लिए। अब हमें पहचानना है इसका, अगर हम पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक से यूजुअली क्वेश्चंस रहता है, इसलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से सीखना चाहिए। अगर यहां पर बात करें सबसे पहला कि इनका हैबिटेट कैसा है, घर कैसा है, कहाँ रहते हैं, ये दोनों रूप में मिलता है, फ्री लिविंग जो अपने से खुद खाना की व्यवस्था कर रहा है, एंड पैरासाइट्स जो दूसरों पर डिपेंड रह के उनसे हानि उनको पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दोनों तरह के जीवन इसमें मिलते हैं, फ्री लिविंग भी और हैबिटेट भी, पैरासाइट भी। साथ ही साथ क्या है, ये टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है, अक्वेटिक भी है, एंड अक्वेटिक पानी में भी मिलते हैं और धरती पर भी मिलते हैं। मान लो हमारे शरीर में ये अगर चीनिया सोडियम हो, निश्चित रूप से वो धरती पर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्वेटिक में भी क्या है, दोनों में है, फ्रेश वाटर एंड मेराइन, ऐसा नहीं है, मतलब काफी, मतलब थंबनेल टिका हुआ है, कहते हैं कि वही जीव टिकता है जो अलग अलग तरह का भोजन, अलग अलग तरह का आवास बदलते समय के साथ अपने आप को बदलता है। पहला ये हो गया। दूसरा है बॉडी फॉर्म। अगर बॉडी फॉर्म को देखें कि शरीर कैसा, तो रिबन और लीफ शेप्ड, रिबन और लीफ शेप्ड, अगर रिबन देखें तो पट्टी की तरह हो गया, जैसे फ्लैट वर्म होता है, ये रिबन हो गया, और अगर लीफ शेप देखें प्लेनेरिया हो गया, इस तरह से हो गया, तो ये इस तरह का शेप होता है। साथ ही क्या कहता है, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैटेंड डोर्सो का मतलब क्या होता है, पीठ, वेंट्रो का मतलब क्या हो गया, पेट, मतलब पीठ और पेट कैसा हो, चिपटा हो, मतलब ये कुछ इस तरह से हम कहें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ये अगर डोर्सल है तो इसका पीछे का हिस्सा क्या होगा, वेंट्रल, जैसे अपना हम पीठ छू लें तो डोर्सल हो गया और पेट जो है वो वेंट्रल हो गया, पीछे का हिस्सा क्या होगा, वेंट्रल हो गया, और ये चिपटा है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। तीसरा, जब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखें हम, थर्ड वन, तो उसमें आता है कि सिमेट्री कैसा है। सिमेट्री हम लोग हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंट्रल पॉइंट से उसको पार्टीशन करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, अगर बराबर टुकड़े में हो तो फिर सिमेट्री कहते हैं, और अगर असमान हो तो एसिमेट्री कहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बोला जाता है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल ये है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर ये बॉडी इस तरीके से है तो एक ही एक्सिस पर ये जो है ना दो भागों में बांटा जा सकता है, ये देखिए बस हम लोग वैसा ही हैं, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है भाई। अब आ गया कि बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
body level of organization. इसका शरीर का क्या स्तर है? तो बोलते हैं कि सेल से ऊपर टिश्यू, टिश्यू से ऊपर ऑर्गेन, ये ऑर्गेन लेवल है, मतलब यहां पर ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा नाक भी आता है, हमारा फेरिंग्स भी आता है, हमारा ट्रैकिया भी आता है, हमारा लंग्स भी आता है, कई सारे ऑर्गेन्स हैं जो अलग अलग हैं और मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि अभी ऑर्गेन सिस्टम में नहीं है, अंग है वो अलग अलग काम करते हैं, ये ऑर्गेन सिस्टम है। और अगला जो होता उनमें तरक्की हो जाएगी तो ये फिर ऑर्गेन लेवल सिस्टम हो जाएगा। पांचवा पॉइंट जब बढ़ते हैं तो वह है बॉडी प्लान। सबके बॉडी का अपना एक प्लान होता है। इसके बॉडी का कैसा प्लान है? इसे कहते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड इंड सैक। देखो इसको हम समझाते हैं, एक इस प्रकार का बॉडी है, ठीक है, इसमें दोनों तरफ छेद हो। हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, कोई भी चीज हो वह इस साइड से साइड अगर जाना होगा तो आर पार हो जाए, ये हो गया ओपन। और एक हम बॉडी बनाए जिसमें ओपन हो, वो अंदर आए बस। इसका मतलब हो गया क्या, एक एंड जो है वो ब्लाइंड एंड है, मतलब वो खत्म हो गया। जैसे हम सड़क पर भी जाते हैं तो क्या होता है, कभी किसी गली में घुस जाते हैं, थोड़ी दूर 100 मीटर जाने पर दिखता है क्या कि गली गली का एंड जो है उस मकान में हो गया, तो फिर हम बोलते हो लगता है गलत रास्ते में आ गए, फिर मुड़ के निकलते हैं वहां पर। इस तरह के एंड को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड एंड। तो यहां पर भी क्या है, एक एंड तो ओपन है लेकिन दूसरा एंड ब्लाइंड है, और सैक लाइक है, थैलाकनुमा है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड एंड सैक। तो अगर इसमें माउथ और एनस का कॉन्सेप्ट हो तो वो एक ही जगह दोनों ओपनिंग होगा, ठीक है ना, एक ही जगह दोनों ओपनिंग होगा। पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठवां पॉइंट में हम अगर आए तो कितने जर्म लेयर्स होते हैं। जर्म लेयर्स के बारे में हम सब जानते हैं, हमारा पूरा शरीर और उसके सभी अंग, सभी सेल्स, सभी टिश्यूज तीन प्रकार के जर्म लेयर से बने होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये इनमें तीनों मिलता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्ट मतलब क्या होता है, जिससे फूट कर बाहर निकलता है चीज, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अर्थात एक्टोडर्म है इसमें, एक्टोडर्म, फिर उसके बाद मेसोडर्म है, और फिर है एंडोडर्म। इस प्रकार से तीनों जर्म लेयर यहां पर मौजूद है और इसलिए इसको कहा जाता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। छठवां के बाद जब सातवां पॉइंट आता है वहां पूछा जा रहा है सिलोम के बारे में। सिलोम, सिलोम एक्चुअली हम ऐसे तो उसको बोलते हैं सिंपल वर्ड में बॉडी कैविटी, ठीक है ना। कहते हैं कि कोई भी सिलोमेट, मतलब इसको अगर हम और भी थोड़ा सा समझाएं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, कहते हैं एक ट्यूब के अंदर अगर ट्यूब हो उसे हम लोग सिलोम कहते हैं। बड़ा सिंपल सा, हम लोग जो पेन यूज करते हैं आप देखे होंगे कि हम लोग का पेन जो होता है वो एक हॉलो ट्यूब होता है, ठीक है, और इसके अंदर में हम रिफिल डालते हैं। रिफिल भी क्या होता है, हॉलो ट्यूब होता है, और यहां नीब होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, या जो टायर ट्यूब होता है वो भी क्या होता है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। इस तरह के टर्म को हम लोग बोलते हैं सिलोमेट। जैसे हम लोग का क्या है, एक हमारा बॉडी कैविटी है और एक एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल भी अंदर से हॉलो है, बॉडी कैविटी भी हॉलो है, उसमें उस हॉलो स्पेस में अलग अलग अंग मौजूद है। और दूसरा क्या कहता है कि मेजोडर्मल लाइनिंग होता है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब लाइंड बाय मेजोडर्म, मतलब मेजोडर्म से अगर लाइन हो उसे हम लोग कहते हैं कि ये ट्रू सिलोम है। ये हम समझा दिए। यहां पर क्या स्थिति है, यहां ए सिलोमेट,
ये सिलोमेट का मतलब साफ हो गया, कोई भी ट्रू सिलोम यहां मौजूद बिल्कुल नहीं है। तो फ्लैट वर्म्स जो जितने भी होते हैं फ्लैटियल मिंथस में, इनमें कोई भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो मन में सवाल आएगा कि सर इसका भी तो एक बॉडी कैविटी है। ठीक है भाई, बॉडी कैविटी बना देते हैं, ये बॉडी कैविटी है और उस बॉडी कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल भी तो है सर। ठीक है, जो पैरासाइट होता है उसमें तो रिड्यूस्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है, लेकिन जो फ्री लिविंग होता है उसमें तो हुआ, तो ये हो गया बॉडी कैविटी और ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सवाल आता है कि जब सर ये दोनों अगर है तो फिर हम एसिलोमेट क्यों कहें, क्योंकि जो लाइनिंग होता है बीच का, मतलब बीच का जो मटेरियल ऐसे भरा हुआ है, ठीक है ना, चारों साइड से भरा हुआ है, ये मेसोडर्मल नहीं है, बल्कि ये खास तरह का मटेरियल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और इसका नाम भी है, ऐसा नहीं कि इसका नाम नहीं है, इसका नाम है और वो नाम क्या है, पैरेन्काइमा। ठीक है, और मेसेनकाइमा, ये नाम है मेसेनकाइमी, ये मेसोडर्मल नहीं है, इसलिए इसे हम लोग ट्रू सिलोमेट नहीं कहते। ये जो पैरेन्काइमा है इसमें फ्लूड भरा होता है, ये फ्लूड फील्ड है, मतलब लिक्विड भरा रहता है, फ्लूड फील्ड है। और इस फ्लूड को क्या कहा जाता है, वैसे जो नाम ओसिस होगा, पैरेन्काइमल फ्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये इसका रोल क्या है, क्या काम करता है, काम ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ग्रुप में काम करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इस हमलों में क्या है, बोन है, पोरिफेरा में क्या था, स्पाइक्यूल्स थे, स्पॉन्जिन फाइबर थे, इसमें ही पानी जो है यह इसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाने में मदद करता है। तो एक हो गया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और दूसरा काम जो है वो यहां लिख देते हैं, और दूसरा काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। हम लोग के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स कौन करता है, ब्लड, खून, बट ये खून नहीं है। हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है बट इट इज नॉट ब्लड, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करता है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सेगमेंटेशन, जैसे हम लोग क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, अगर हमारा बॉडी देखें तो हड्डियों से जुड़ा हुआ है और 206 हड्डियां हैं, यहां पर ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। तो lack of true segmentation, इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। पहला तो ये क्लियर हो गया, वह सेगमेंटेशन नहीं होता है। एक यहां पर टर्म आता है स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन, अगर ये टर्म हम देखें ये आता है, मतलब टुकड़ों की तरह है बट वो है नहीं, वो ट्रूली है नहीं। ये देखा जाता है टेप वर्म, जब हम लोग टेप वर्म को भी पढ़ते ही हैं, तो टेप वर्म में क्या होता है, बॉडी लगता है कि इसे टुकड़ों में बटा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। एक भी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। तो ये ऐसे जरूर दिख रहा है बट ये सेगमेंटेशन नहीं है, ये रिपीटेड, ये जो है ना स्ट्रोबिलस, वो रिपीटेड बडिंग है, ठीक है ना, रिपीटेड बडिंग है, तो ये टुकड़े नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये टेपवर्म में दिखता है। अब देखिए नाइन्थ पॉइंट है, एक टर्म आता है सिफेलाइजेशन। सिफिलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड, जैसे हम लोग में हेड बना हुआ है ना, तो उसको हम लोग सिफिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हेड तो डेवलप हुआ है, ठीक है ना,
first time head appears in this phylum. इससे पहले आप जो भी देखेंगे, चाहे पोरीफेरा देखें चाहे सिलेंट्रिका देखें, वहां कोई हेड नहीं होता, बट प्लैटिहेलमिंथस में पहली बार हेड बनता है। ठीक है, एकदम सीधी बात, कोई टेढ़ी बात इसमें नहीं है। और हेड में जो है सेंसरी और रीजंस होते हैं। ठीक है, हेड हैज सेंसरी ऑर्गन्स है, मौजूद हैं, प्लस स्केलेटन्स भी हैं। स्केलेटन्स जैसे कि स्पाइंस, कांटेदार नुकीला चुभने वाला, हुक्स, ये सभी हैं वहां मौजूद। ठीक है, साथ ही सकर्स भी मौजूद दिखते हैं, चूसने वाला। तो हेड है यहां। नौवां के बाद जब दसवीं पॉइंट की ओर हम लोग बढ़े तो यहां पे हम लोग पूछने का मन होता है कि स्केलेटन पूछते हैं, क्योंकि अब तक तो सब स्केलेटन वाला रहा है। यहां स्केलेटन है कि नहीं? स्केलेटन नहीं रहता है, नो स्केलेटन, सीधी बात, कोई स्केलेटन नहीं है। ठीक है, हाँ, ये एक चीज है कि स्क्लेरोप्रोटीन वाला क्यूटिकल होता है, बट पैरासाइट्स हैज हार्ड क्यूटिकल, हार्ड क्यूटिकल ऑन द बॉडी, कंपोज्ड ऑफ, किसी से बना हुआ है, स्क्लेरोप्रोटीन्स, स्क्लेरो प्रोटीन से बना हुआ है। तो पैरासाइट्स को चूंकि विपरीत परिस्थितियों से बचना है ना, वो अपने ऊपर हार्ड क्यूटिकल बना लेता है, और जो स्क्लेरो प्रोटीन से बना हुआ। तो एक थोड़ा मोड़ा कमोवेश ये मतलब बॉडी को एक शेप भी देता है, लेकिन ऐसा ट्रू स्केलेटन करके कुछ इसमें होता नहीं है। 11वां पॉइंट, कोई हाथ पैर, कुछ ऐसा अपेंडेजेज वेपेंडेजेज कुछ हो, हम लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ लेग्स वेग्स नहीं है, एबसेंट, ऐसा नहीं होता है कुछ। बट जैसे कि स्पाइंस हो गए, छोटे छोटे नुकीले कांटे नुमा कुछ थोंस कांटे हो गए, हुक्स हो गए, कुछ टीथ्स हो गए, ये सब दिखते हैं। ठीक है ना, ये सभी दिखते हैं, बट ये सभी हाथ पैर नहीं है। अपेंडेजेस का मतलब हमेशा होता है हैंड्स, ठीक है, लेग्स, ऐसा कुछ वो सब इसमें नहीं होता है। अब 12वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसा है? जब बॉडी वॉल की बात करते हैं हम लोग, तो कहते हैं मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, एक लेयर का बना हुआ रहता है, सिंगल लेयर ऑफ ऑफ, देखो टर्म लिख रहे हैं, सिंसाइटिकल एपिडर्मिस। ठीक है ना, सिंसाइटिकल एपिडर्मिस, सिंसाइटल हो गया किससे हुआ कि मतलब मल्टी न्यूक्लियस एसेस में रहता है, मल्टी न्यूक्लियर। ठीक है, एकदम मल्टी न्यूक्लियेटेड और सिंसाइटिकल के टर्म में क्या डिफरेंस होता है कि सिंसाइटिकल जो होता है उसमें बीच का जो मान लो कि एपिडर्मिस है ना, ऐसे ये एपिडर्मिस है, ऐसे अलग अलग सेल है इसमें, न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा ना कि बीच बीच का वॉल सब गायब हो जाएगा ऐसे। अब ये क्या हो गया, सब मिल गए, ये सिंसाइटिकल इस तरह का कहलाता है। तो ये भी यूनिक चीज है, इसको दिमाग में रखना चाहिए हम लोग। 13वां हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो फ्री लिविंग में होगा, बट जो पैरासाइट है उसमें नहीं होगा। ठीक है ना, तो ओनली इन फ्री लिविंग, ओनली इन फ्री लिविंग्स, जो फ्री लिविंग्स है उनमें होगा, और वो भी क्या होगा, डेड एंड, मतलब ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक। और पैरासाइट में क्या होगा,
reduced or absent in parasite. Reduced or absent in parasite. क्योंकि parasite वो क्या है, बना बनाया मिल जाता है, तो काहे को digestive system रखेगा अपना. 14th point में जब आते हैं respiratory system. रिस्पायरेटरी सिस्टम की जब बात होती है तो थ्रू बॉडी वॉल से करता है. और बॉडी वॉल से कौन करता है? जितने भी जीव हैं. ठीक है, अब इसमें एक कैटेगरी आता है एरोब, एरोबिक्स, मतलब एरोबिक. एरोबिक में जितने फ्री लिविंग्स हैं सब आते हैं, वो सभी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. और एनारोबिक, एनारोबिक सारे एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स जितने में होंगे सब एनारोबिक रिस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि ये शरीर के अंदर में रहते हैं. जब हम 15वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे सामने आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने पहले ही कहा कि इसमें नहीं रहेगा, एबसेंट. थोड़ा मोरा सर्कुलेशन जो होगा वो मेसेनकाइमी सेल्स जो है वो कर देगा. 16th पॉइंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम. काम करेगा तो कचरा तो बनेगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स होते हैं. फ्लेम सेल्स उस तरह से दिखता है जैसे कि आग की, आग का जो लॉ है उसी प्रकार से ये दिखता है. अगर एक फ्लेम सेल को बनाए हम डायग्राम तो देखिएगा कि उसी तरह का ये ऐसे दिखता है. सेल है, इसमें से अपेंडिजेस निकले हुए हैं. ठीक है, और इसमें बहुत, ये न्यूक्लियस है इसका, और इसमें ये सीलिया, बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है. ठीक है ना, इसको हम लोग बोले साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस. साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस सही, यह है न्यूक्लियस, ये इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यहां पर है साइटोसोल, ये है सब सीलिया, टफ्ट ऑफ मतलब गुच्छा सीलिया. इसको हम लोग बोलते हैं सेल ल्यूमेन. सेल का ये खाली हिस्सा है जिसमें कि एक्सक्रीटरी चीजों को यहां सेक्रीट कर देता है, और ये फ्लो करके क्या करता है, इसको धकेल देता है ताकि ये बाहर निकल जाए. इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट. तो ये हो गया फ्लेम सेल, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है. ये एक्सक्रीशन वाली बात हो गई. 17वां पॉइंट हो गया सेंसरी सेल्स. सेंसरी सेल्स हैं, मौजूद हैं, ये अनुभव कर सकता है. ठीक है ना, जैसे कि फोटोसेंसरी, फोटो सेंसरी आई स्पॉट कहते हैं इसको. ये आई स्पॉट्स जो है वो फोटोसेंसरी होते हैं, इस तरह का है इसके पास. ये टच को भी महसूस करता है, करंट को भी महसूस कर सकता है, तो ये सब है यहाँ. 18वां है नर्वस सिस्टम. अब इतना बेचारा काम करेगा तो नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा तो काम ही खराब हो जाएगा. ब्रेन है, ब्रेन है. ठीक है, और नर्व कॉर्ड्स भी हैं, नर्व कॉर्ड्स भी हैं इसमें, और नर्व्स भी हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं इसके पास. 19 पॉइंट में आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करे तो कैसे करेगा. अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखें तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमनली करता है, और सामान्यतः फ्री लिविंग जो है करता है, मोस्टली फ्री लिविंग करता है. जो भी फ्री लिविंग्स हैं वो सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसमें इनका तरीका है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन से ये काम करते हैं, बढ़िया बात है. टूट टूट करिए अपना रिप्रोडक्शन करते हैं. एक चीज में और भी यूनिक चीज क्या, रीजनरेशन.
अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्लानेरिया का रीजनरेशन खूब पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसे डुजेसिया भी कहते हैं। तो रीजनरेशन से भी अपनी संख्या को ये बढ़ा सकते हैं। ये हो गया इसका सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा तो यदि होगा तो कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहला तो यह है मोनोइसियस है। मोनोइसियस का मतलब होता है क्या कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही बॉडी में हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन सेम बॉडी एक ही शरीर में। जैसे हम लोग क्या है डायसियस है, हम लोग मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट करता है, यहां पर एक सब एक ही तरीके में एक ही में होगा, ठीक है। और बाकी इनका अपना तरीका है, रिप्रोडक्शन करेंगे, मेटिंग करेंगे, ये सब काम करेंगे। 21 में है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात बोलें तो ये डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट का मतलब हो गया एग से एडल्ट सीधे। और उदाहरण मिलते हैं इनडायरेक्ट का भी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही फिक्स है, उदाहरण साथ देखना होगा। यहां पर होगा एग, लार्वा और तब एडल्ट, ये दोनों फॉर्म जो था यहां पर देखने को मिलता है। क्लीवेज जो है, क्लीवेज ये होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, क्योंकि ढेर सारा योग हुआ तो जब ये करेगा तो एकदम पूरा सेल दो भाग में ही बढ़ जाएगा, फिर चार भाग में बढ़ जाएगा। तो ये सब जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। कुछ लार्वा इसके पॉपुलर लार्वा जो है उनका नाम भी जान लें आप लोग, जैसे मिरासीडियम लार्वा ये मिलता है, साथ ही साथ स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, ठीक है, रेडिया लार्वा, सिरसेरिया लार्वा, सेरिया लार्वा और मेटासिरसेरिया लार्वा, सेरिया लार्वा, ये नाम सब याद रखिएगा लार्वा का। और ग्रेजुएशन में तो एक कंप्लीट चैप्टर ही है जिसका नाम है लार्वल फॉर्म्स ऑफ प्लैटिहेलमिंथस, वहां इन सब के बारे में बताना होता है, लेकिन यहां पर इतनी जानकारी जो है ना यह पर्याप्त है। तो ये जानकारी रखने से हमारे दिमाग में बातें सभी अटकी रहेंगी।